दोस्तों आज हम करने वाले हैं थ्रोन ऑफ सील के एपिसोड 66 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गाइस वीडियो थोड़ा लेट आई है इसलिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ तक कि मैं अभी पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुआ हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की। हमारे यह एपिसोड भी वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर एम्परर ली डेमोनिक एनर्जी के अंदर पूरी तरह से फंस चुका था। अब हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी खत्म होने की वजह से वह धीरे धीरे करके मरने लगता है। उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन उससे ज्यादा तो उन्हें बुरा लग रहा था। और तभी वह ऊपर की तरफ पोर्टल को देख करके कहता है, यह मुझसे क्या हो गया, मैंने इंसानियत के लिए इतनी ज्यादा सर कुर्बानियां दिया, अब सब बेकार हो गई और अब तो मैं खुद को भी नहीं बचा सकता, मैं भी जल्द मरने वाला हूँ। इन सारे अफसोस के साथ ही अचानक उसकी नजर लाइट एलिमेंटल फेरी के ऊपर जाती है, जिसे देख करके एम्परर ली गुस्सा होते हुए कहता है, गद्दार ये सब तुमने ही किया है, वैसे मैं करने वाला हूँ लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं मरते मरते तुम्हें भी जान से मार दूंगा। ये कहते ही एम्परर ली धीरे धीरे करके लाइट फेरी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर हाउ चेन आकर के लाइट फेरी की जान बचा लेता है। साथ ही साथ हाउ चेन यहाँ पर एम्परर ली से कहता है, आपको ये क्या हो गया है, आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। एम्परर ली यहाँ पर हाउ चेन को ज्यादा कुछ नहीं बता पाते। इस पर हाउ चेन यहाँ एम्परर ली को हिल करने की कोशिश करता है, पर एम्परर ली कहते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, मैं नहीं बच सकता। साथ ही यहाँ पर एम्परर ली आखिरकार हाउ चेन से माफी भी मांग लेते हैं, जिसके साथ ही एम्परर ली की बॉडी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। म्यू चेन अभी भी वहीं पर खड़ा होकर हैरानी से उन डेमोनिक पोर्टल्स की तरफ देखने लगता है, जिसकी दूसरी तरफ डेमन लाइन किंग अपनी आर्मी लेकर तैयार खड़ा था। लायन डेमन यहां अपना मास्क पहनते ही अपने साथियों को हुक्म देता है कि आगे बढ़ो और रिसोर्सेज गेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो, जो सुनते ही सभी आर्मी आगे बढ़ाना शुरू कर देती है। ये सारे डीमंस पोर्टल्स का इस्तेमाल करके जेलिंग गेट पास पहुंच जाते हैं, जहां पर ह्यूमन आर्मी तैयार नहीं थी, इसीलिए डेमन आर्मी काफी ज्यादा आसानी के साथ उन लोगों को जान से मारना शुरू कर देती है। इधर हाउ चेन यहाँ पर इतनी बड़ी आर्मी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपनी मन में कहता है, डीमंस ने हम पर हमला कर दिया है, लेकिन आखिर यह कैसे हो सकता है। है चेन ये सब बातें सोच ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि डेमोनिक पोर्टल्स का इस्तेमाल करके बाकी के 3 डीमंस भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई थी। यहाँ पर लायन डेमन अपने साथियों से कहता है, आगे बढ़ो और जेलिन गेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि इसके लिए मैं तुम लोगों को एक बड़ा इनाम दूंगा। इस पर बुल डेमन भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम बटरफ्लाई डेमन को देखते हैं, जिसकी नजर हाउ चेन की ऊपर जाती है। हाउ चेन को देख करके वो कहता, लड़के आखिरकार हम दोनों की मुलाकात दोबारा से हो ही गई। ये कहते ही वो तुरंत हाउ चेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे हाउ चेन अपनी सील्ड की मदद से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन बटरफ्लाई डेमन की तेज बहुत ही ज्यादा थी, वो तेजी के साथ आकर हाउ चेन को गले से पकड़ लेता है। साथ ही साथ वो हाउ चेन से कहता है, पिछली बार तुमने मेरा हाथ काटा था, अब वक्त आ चुका है कि मैं तुमसे अपना बदला लूं और तुम्हारा हाथ काट लूं। लेकिन तभी अचानक उसे साइड से किसी की आवाज आती है, जो कि कहता है, इस बार भी तुम्हारा ही हाथ कटेगा। ये सुनकर वो जैसी ही अपने लेफ्ट की तरफ देखता है, तभी अचानक हम देखते हैं कि ओल्ड मास्टर ने एक स्लैश के साथ तेजी से आते हुए बटरफ्लाई डेमन का हाथ दोबारा से काट लेता है, जिसकी वजह से बटरफ्लाई डेमन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। वो तुरंत भागकर लाइन डेमन के पास पहुंच जाता है, जबकि वो यहाँ पर ओल्ड मास्टर को देख करके कहता है कि कमीने इंसान तुम दोबारा से आ गए, जबकि लायन डेमन तो यहाँ पर ओल्ड मास्टर को देख कर खुश होता है और वो कहता है, आखिरकार कोई ऐसा वॉरियर है जो कि मुझे टक्कर दे सकता है, तुमसे फाइट करने में मजा आएगा। इधर ओल्ड मास्टर भी इन लोगों की बातें सुन रहे थे, तभी अचानक वो अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए हाउ चेन से कहते हैं, इन तीनों डीमंस को मैं अकेले रोक सकता हूँ, तुम्हें जल्दी से जल्दी कमांड सेंटर पहुंचकर उसे एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि जेलिंग गेट को बचाने का बस यही एक तरीका है। जो सुनकर हम देखते हैं कि हाउ चेन कमांड सेंटर की तरफ बढ़ाना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ वो तीन डीमंस ऐसा होने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वो लोग हाउ चेन के पीछे जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि ओल्ड मास्टर ने तुरंत वहां पर अपने डेमोनिक पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसको वो रियलाइज करते हुए कहते हैं कि यह जगह ठीक नहीं, चलो मैं तुम्हें कहीं और लेकर जाता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि यह सब लोग ही मास्टर के डोमेन में पहुँच गए थे। ओल्ड मास्टर की डोमेन में पहुँचने के बाद लायन डेमन कहते हैं, अच्छा तो तुम अपने साथियों की फिक्र करते हो, इसलिए तुम हमें यहाँ पर ले आए, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जबकि दूसरी तरफ बटरफ्लाई डेमन कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो,
जो तुम अकेले हम तीनों डीमंस का सामना करने खड़े हो गए। ओल्ड मास्टर भी उसकी यह बात सुनकर स्माइल करते हुए कहते हैं, ये जगह मुझे बिलोंग करती है, यानी कि यहाँ पर तुम लोग खतरे में हो, मैं नहीं। जो कहते ही ओल्ड मास्टर तुरंत बटरफ्लाई डेमन की पीछे आ जाते हैं। वो अपनी कंजर का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। बुल डेमन भी यहाँ पर बटरफ्लाई डेमन की मदद करना चाहता था, लेकिन ओल्ड मास्टर उसके अटैक से बच जाते हैं, जहाँ पीछे आने के बाद उन्होंने एक बार फिर से बटरफ्लाई डेमन पर हमला करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर वो अपने कंजर का इस्तेमाल करता है, उसका एक और हाथ भी काट देता है, जिसे बहुत ही ज्यादा बेरहमी के साथ ओल्ड मास्टर बुल डेमन के आँख में घुसा लेते हैं। बिल डेमन को इसकी वजह से काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, जबकि ओल्ड मास्टर इसी मौके का फायदा उठाते हुए अपनी मून स्किल से उसे जान से करने की कोशिश करता है। पर तभी बीच में लायन डेमन आ जाता है, जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ओल्ड मास्टर की सीक्रेट अटैक को ब्लॉक कर देता है। साथ ही साथ वो कहता है, तुम लोगों का ड्रामा बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें दिखता हूँ कि असली ताकत किसे कहते हैं। यहाँ इसके बाद बाहर के लोगों को डोमेन के अंदर से फाइट की आवाज से सुनाई दे रही थी, जहाँ ओल्ड मास्टर अपनी ऊंची आवाज में कहते हैं, इन तीनों को मैंने अपनी डोमेन में कैद करके रखा हुआ हूँ, इसलिए तुम लोगों के पास वक्त है, जितने भी लोग हैं हाउ चेन की मदद करो, ताकि वो जल्द से जल्द कमांड सेंटर को एक्टिवेट कर पाए। यही सिर्फ एक रास्ता है जैलीन गेट को बचाने का। इधर मास्टर भी इनकी बात सुनकर अपने साथियों से कहते हैं, चलो हाउ चेन की मदद करो, उसके आसपास जितने भी डीमंस हैं उन्हें खत्म करके उसका रास्ता साफ करो। जबकि दूसरी तरफ हम है चेन को देखते हैं, जो कि तेजी से कमांड सेंटर की तरफ ही जा रहा था। उसके रास्ते में कई सारे डीमंस आने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक ऊपर से टकला का हथौड़ा तेजी के साथ आते हुए उन सारी की सारी डीमंस को जान से मार देता है। हाउ चेन भी यहाँ पर टकला के पास आ जाता है, जहाँ टकला हाउ चेन से कहता है, तुम्हें जल्द से जल्द कमांड सेंटर चले जाना चाहिए, इन लोगों को मैं अकेले देख सकता हूँ। हाउ चेन इसकी यह बात सुनकर कमांड सेंटर की तरफ बढ़ाना शुरू कर देता है, जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि टकला अकेले ही उन सारे डीमंस के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। रास्ते में भागते हुए हाउ चेन के सामने एक डबल ब्लड डेमन आ जाता है, जिससे फाइट करना हाउ चेन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। वो अपनी मन में कहता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। जबकि वो डबल ब्लड डेमन भी आगे की तरफ बढ़ते हुए हाउ चेन पर हमला करने की कोशिश करता है, तभी अचानक किसी का वेपन पीछे की तरफ से आती ही उस डेमन को हिट करता है, जिसके बाद उसे आवाज सुनाई देती है, हाउ चेन इसे मुझ पर छोड़ दो। हाउ चेन उस आवाज को सुनने के बाद उस डेमन से खुद की जान बचाते हुए आगे की तरफ भागना शुरू कर देता है, जबकि हम देखते हैं कि यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि इनकी ही टीम की एक दोस्त होती है, जो कि यहाँ हाउ चेन और उस डेमन के बीच में आ गई थी। वो अपनी सील का इस्तेमाल करती है, उस डेमन पर हमला करना शुरू कर देती है, ताकि हाउ चेन को कमांड सेंटर तक जाने का मौका मिल सके। इसके साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मैं इसकी दूसरे पार्ट को भी जल्द ही लेकर आऊंगा।